नीतीश कुमार जी ने आपको दिया जितना धन्यवाद किया गया नीतीश कुमार जी का उतना काम का यह हक है अधिकार है, इसलिए हमको उनके साथ जब सरकार का निर्णय हुआ उनको मानना। और ठीक है, प्रारंभ में कोई भी ऐसा निर्णय लोग व्यवस्था उस मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको स्वीकार कर लेते हैं। और अब तो धीरे धीरे इतनी स्वीकारता हो गई है, जब व्यवस्था बस नहीं करते हैं अब तो समझ गए हैं कि महिलाओं का यह हक है अधिकार है, इसलिए हमको उनके साथ इतना काम हुआ है। अलग अलग कार्यों की व्याख्या की जरूरत यहाँ नहीं है, वह तो जाइएगा जनता के बीच में तो वहां पर उसने की जरूरत है। हम लोग भी कई बार जब जाते हैं मंच पर, कई जगह तो मुझको आपत्ति करनी पड़ती है अपने संबोधन के दौरान, कई जगह लोग परिचय करा देते हैं, अमुक व्यक्ति प्रमुख साहब हैं जो भाषण करें, बाद में बगल वाला समय पूछता हूं कि सही में यही प्रमुख है कि इनकी पत्नी प्रमुख है, तो लोग बताते हैं कि इनकी पत्नी प्रमुख है, तो मंच पर जब हमको भाषण देने का मौका मिलता था उनका क्लास ले कि भैया बुलाने वाला बुला दिया कि प्रमुख, आपको तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, आप प्रमुख हैं तो सब क्या जाता है, हम सब प्रमुख नहीं। हम यह कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और जहां कहें कि आप जनप्रतिनिधि आप महिलाएं होती हैं वहां खुद भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आपको कहना चाहिए अपने पति से, कहना चाहिए अपने पिताजी से कि आप नहीं है प्रमुख, आप जिला परिषद के सदस्य नहीं है, हम हैं। तो ठीक है, उसको पे परिचय होगी, प्रमुख पति कोई बात नहीं है, एमपी के रूप में परिचय हो मुखिया पति तो कोई बात नहीं है, लेकिन खुद मुखिया का अगर परिचय कैसे दे, यह गलत है। तो इस गलत का विरोध आप लोग को समय समय पर करता है करते रहना है। और गलत के विरोध का मतलब यह भी नहीं होता है कि हर जगह कोई गुस्सा में हम बात करें, कोई डंडा लेकर हम बात करें, कई बार तो सिर्फ बोलने से दूर हो जाए, बोलने की जब हम नहीं बोलेंगे चुप रहेंगे तो हमारी हनुमानी होते हैं, अनेक बार ऐसा होता है। हाँ, कई बार थोड़ा विरोध ज्यादा होता है तो वहां कुछ दिखाना पड़े, अलग विषय है, लेकिन हमेशा उसकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ बोलिएगा ना तो इससे बहुत सारा परिवर्तन होगा। तो बोलना आवश्यक है जहां भी लगे ये अधिकार, और यह अधिकार कृपा पर नहीं मिलती है आपको, यह अधिकार तो नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, अब तक लोग नहीं दे रहे थे, नीतीश कुमार जी ने आपको दिया जितना धन्यवाद किया गया नीतीश कुमार जी का उतना कम है, नीतीश कुमार जी तक नहीं होता तो 50 साल और लगता, गलत बात है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको अधिकार मिलना था, नीतीश जी ने 50 साल 100 साल पहले दे दिया, तो नीतीश जी बहुत अच्छा किया, उनका धन्यवाद होना ही चाहिए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अधिकार कोई कृपा पर आपको नहीं मिलती है, या अधिकार आपका है प्राकृतिक रूप से, आप इस अधिकार को डिजर्व करती है इसलिए मिलता है, यह एहसास अपने अंदर होना चाहिए, यह एहसास होना चाहिए। यह भी लगे कि हमारे घर का कोई पुरुष हमको उम्मीदवार बना दिया इसलिए हम मुखिया बन गया, प्रमुख बन, नहीं बनाना ही था, बना क्या दिया, बनाना ही था, वो अधिकार समझ, अधिकार प्राप्त करने से ज्यादा उसको एहसास कर देंगे, एहसास कीजिएगा ना तब जाकर बराबरी की बात धीरे धीरे आए, वरना पार्टी पार्टी कार्यालय आप आए समाज में अलग कहीं मीटिंग में जाती है उस समय तो अपने अधिकार की बात होती है, और आप घर में जाती हैं तो वहां मेरा अधिकार फिर उसी रूप में। हम नहीं कह रहे हैं कि परिवार में तो उस तरह से झंझट और झगड़ा की जरूरत है, लेकिन कई बात बोलने से एहसास करने से भी ठीक ठाक हो जाती है, धीरे धीरे होगी। यह जो काम है आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि बराबरी जिसके लिए हमने कहा कि अभी बहुत दूर का सफर करना बाकी है, और कई बार तो अभी हम महसूस करते हैं, आप भी महसूस करती होंगी कि महिलाओं का दुश्मन महिलाएं हो जाती है, इसमें जरा से जरूर देखिए, हम कई अधिकार मानते हैं तो हमको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, ड्यूटी और अधिकार कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ चलता है, ऐसा नहीं कि हम अधिकार मांगे और हमारे घर में हमारी उनका देखो गई और बेटा की शादी हुई तो वधु आ गई तो हम सास के रूप में वही अगर रखें तो फिर गलत हो जाए।
हमने अपनी सास से अगर अधिकार माना है तो पुत्र वधु को भी हमको अधिकार उसी रूप में देना पड़ेगा। तो इसको उस रूप में लेना ले चलना चाहिए। और यह चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं पर लागू होती है, पुरुषों पर भी बराबर लागू होती है। और समाज को बनाने में महिला पुरुष दोनों का बराबर का योगदान है, तो इसलिए इसमें करना चाहिए इसको। आप सब लोगों से गुजारिश है, अपेक्षा है, संगठन आपने अच्छा बनाया। हम सोचता जी हम लोग सुन रहे थे, अभी हम लोगों को सुनने का मौका मिला, आगे मौका मिलेगा और लोगों को सुनेंगे। लेकिन कई लोगों से जब सुन रहे थे तो लग रहा था कि वास्तव में यह जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का संगठन है। काम कीजिए, लेकिन एक चीज देखिए है, बाकी चीज संगठन कैसे चलता है, नहीं चलता है, क्योंकि आज का ही पूरा विषय नहीं है, समय भी बहुत हो रहा है। लेकिन इतना है कि आपने संगठन का निर्माण किया, पदाधिकारियों को मनोनीत किया, बनाया, आगे और बढ़ाएंगे, पंचायत तक ले जाएंगे, ठीक है।